आज मैं दो फ़ोन के बारे में बात करूंगा जो लेटेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पहला फ़ोन है नोकिया का G21 वाला। ये फ़ोन पाकिस्तान में 20,000 से कम की प्राइस में आ सकता है। तो फ़ोन ओवरऑल देखा जाए काफ़ी तगड़े डिज़ाइन के साथ आ रहा है। पॉलीकार्बोनेट की बैक है जो कि मैट फिनिशिंग जैसी लुक देती है, देखने को काफ़ी अच्छा ये फ़ोन लगता है। LCD वाला फ्रंट पर डिस्प्ले है जो कि 720p रेजोल्यूशन वाला है और 90Hz का इसमें रिफ्रेश रेट भी है। Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलेगा और 3 साल तक इसमें अपडेट मिलेंगी एंड्रॉयड की, जो काफ़ी तगड़ी बात है। 20,000 की रेंज में अभी भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोन है जो कि मिल जाते हैं, यानी नोकिया 3.4 वाला उसमें भी अपडेट्स अभी तक आ रही हैं। तो ज़्यादा जो फ़ोन है नोकिया के अलावा देखे हैं और सैमसंग के अपडेट्स उनमें मिलती नहीं है, तो नोकिया इस मामले में काफ़ी तगड़ा है। OS इनका काफ़ी क्लीन होता है। UniSoC वालों का इसमें चिपसेट है, 12nm टेक्नोलॉजी वाला है, लेटेस्ट है, काफ़ी तगड़ा है। 2 लाख के अराउंड इसके एंटीटू स्कोर आते हैं और कोर्स भी इसमें लेटेस्ट हैं, A75 और A55 वाले। तो MediaTek के G80 जैसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, काफी ठीक है ये प्रोसेसर, गेमिंग भी ठीक ठाक हो ही जाएगी इस पे। 3GB रैम 32GB वाला ये वेरिएंट है और हो सकता है पाकिस्तान में 4GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च करें। eMMC 5.1 वाली स्टोरेज है, LPDDR4X वाली रैम है इसमें। 3 कैमरे बैक पे हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनके जो कैमरा होते हैं कलर वाइज देखें तो नेचुरल सी आपको फोटोज मिलती हैं। वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.0 वाला है इसमें। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड वाले बटन में है। 5050mAh की बैटरी और 18W का फास्ट चार्जर है इसमें। तो प्राइस इसकी पाकिस्तान में 20,000 के पास आ सकती है, तो वेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फोन है इन्फिनिक्स 05G वाला। ये फोन पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, काफी तगड़ा फोन ये भी है। ग्लोबली भी सेम यही वेरिएंट गया है, जो पाकिस्तानी प्राइस कन्वर्ट करें 47,000 तक है, तो ऑफलाइन में डिस्काउंट वगैरह करके आपको 45,000 के अराउंड ये मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें LCD वाला डिस्प्ले है। डिजाइन वाइज मुझे काफी अच्छा ये फोन लगा है इन्फिनिक्स का, जो दूसरे फोन देखें काफी प्रीमियम सी फील देता है। मैट फिनिशिंग है बैक पे और प्रोसेसर भी इसमें काफी पावरफुल है, जो इस प्राइस में तो कोई भी फोन नहीं दे रहा। Dimensity 900 वाला 5G चिपसेट है और गेमिंग भी तगड़ी इस पे कर सकते हैं। LPDDR5 वाली रैम है इसमें, 8GB की और 128GB स्टोरेज है, UFS 3.1 वाली है। अगर आप इसकी स्पेक्स देखेंगे तो सबसे बेस्ट फोन है ये, लेकिन इन्फिनिक्स ब्रांड को देख के काफी ज्यादा लोग इतने पैसे नहीं खर्चते, तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली इसे चेक कर सकते हैं। 3 कैमरे बैक पे हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और टेलीफोटो सेंसर भी है इसमें 13 मेगापिक्सल का, जिससे 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। 4K वीडियो 30fps तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है बैक कैमरा में और 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा है। वाईफाई 6 इसमें मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड बटन में, जीरोस्कोप हार्डवेयर लिया, 5000mAh बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर है। तो सिर्फ इधर अगर एमोलेड डिस्प्ले होता तो काफी तबाही मचा सकता था ये फोन, लेकिन अभी भी ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग के लिए फोन लेना है तो मस्ट चेक करें से, क्योंकि इसमें LPDDR5 वाली रैम है जो इस प्राइस में सिर्फ आपको यूज्ड में फोन मिलेगा। Poco F3 वाला जिसमें LPDDR5 जैसी रैम आती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन न्यू फोन लेना है तो ये अभी के टाइम काफी ठीक है। और नोकिया वाला फोन भी 20,000 से कम की प्राइस में आता है, तो मस्ट वेट करना तो बनता है फिर। तो आपको ये दोनों फोन कैसे लगे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।